सब हाय बोल दो एक बार, सब हाय बोल दो। हेलो एवरीवन, दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे सीजी दुबराज ब्लॉग में। सो दोस्तों, आज जो हम लोग देखेंगे अपने फसल में मिर्ची का जो पौधा लगाए हैं उसमें कैसा अभी प्रोग्रेस है, कैसा ग्रोथ है। और दो तीन दिन जो है बारिश हुआ है, तो बारिश के वजह से जो है कीड़ा वगैरह लग जाते हैं, जिसको हम लोग इल्ली बोलते हैं, वो है जो पत्ता वगैरह को काटते हैं। मेरे ख्याल से कहीं कहीं लग भी चुके होंगे जो कीड़े हैं, पत्ते को काट भी रहे होंगे। तो आप लोगों को जो है मैं दिखाने वाला हूँ, तो आप लोगों को ब्लॉग में बने रहना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों आप लोग बस सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो तो आप लोग देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। तो चलो दोस्तों आप लोगों को जो है दिखाता हूँ किस टाइप की जो है अपना पौधा अभी प्रोग्रेस में है, और क्या क्या जो है इसमें बीमारी उमारी लगी है। तो आप लोगों को ब्लॉग में बने रहना है। सो दोस्तों, अभी तक तो हम लोगों को कहीं दिखा नहीं है कि पौधा में कहीं कीड़ा उड़ा लगे हुए हैं। पत्ते को छेद कर देते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये कीड़ा लग चुके हैं, पत्ता को छेद कर देते हैं पूरी तरह से, और पौधा भी बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। बारिश जब भी होती है दो तीन दिन, तो अक्सर आप लोगों को जो है फसल में देखने को मिलेगी ये तना छेदक जो कीड़े हैं वो लग जाते हैं। तो कहीं कहीं जो है लग भी गए हैं, और कहीं कहीं छेद भी कर दिए हैं पत्ते को। तो आप लोगों को जो दिखाऊंगा, कहीं कहीं मेरे ख्याल से ज़्यादा भी हो गए होंगे। ये देख सकते हैं आप लोग किस टाइप से जो यहाँ पूरा ये पौधा को डैमेज और ख़राब कर दिए हैं ये। तो ऐसा होता है जब बारिश होती है तब। तो दिखा दूँ आप लोगों को कीड़ा कैसा टाइप का है, जो कीड़ा है आप लोग ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो है दो कीड़े हैं अभी, ये तीसरा मेरे हाथ में ऑटोमेटिकली आ गया। ऐसा कीड़ा हो जाते हैं जब बारिश कंटिन्यू तीन चार दिन हो जाता है। तो इसके लिए जो है हम लोग अभी दवाई लाने वाले हैं, कीटनाशक की छिड़काव कर देंगे तो मर जाएंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही ख़राब कर दिए हैं पौधा को, ये अच्छी बात नहीं है। तो किसानों को जो है, मेरा अगर किसान ब्लॉग देख रहा है तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप बारिश होती है दो तीन दिन, तो पौधा को क्या है अक्सर चेक किया करें। इससे क्या आप लोगों को पता चलेगा हमारे पौधा में क्या ख़राबी है, या फिर कीड़ा उड़ा लगे हैं कि नहीं। तो इसके लिए जो है हमको दवाई लेने जाना पड़ेगा। अभी घर वर जाऊँगा मैं, नहा वहा करके जो है दवाई के लिए जाऊँगा गोविंद कृषि केंद्र की दुकान में। सो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हमारा फसल में जो है मिर्ची के फसल में किस टाइप की कीड़ा लग गए हैं। तो इसको जो है अभी मारने के लिए मेरे को जो है कीटनाशक लाना पड़ेगा। तो चलो अभी चलते हैं, घर जाते हैं, घर जाके जो है नहा वहा करके मेरे को जाना होगा गोविंद कृषि केंद्र के दुकान में। तो वहाँ से जो है दवाई वाई ले करके आएँगे। तो अभी जो है चलो चलते हैं घर। तो अभी मैं जो है नहा वहा करके रेडी हो गया हूँ, तो मेरे को जो जाना था दवाई के लिए, तो मेरा एक छोटा भाई है मेरे पड़ोस गांव वाला, तो आया है, तो उसके साथ जो है हम लोग अभी दवाई लेने जाएंगे। और उनके यहाँ की जो है छोटी स्कूल गई हुई है, उन लोग का जो है एग्ज़ाम चल रहा है, तो उधर से जो है वो छोटी को भी ले करके आएँगे। तो चलो दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली जो हम लोग स्कूल में पहुंच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ कितने सारे बच्चे हैं। रूबी ठीक कर देना, अरे शर्मा आ रही है, बोल दो रे। रोहित हाय बोल दो, रोहित हाय बोल दे। चलो चलो, ए नहीं आई है छोटी, आ गई क्या? हाँ ले इसको, हाँ ले हट के देखो बस में, आके देखता हूँ मैं, देखता हूँ आप लोग का बस।
सब हाय बोल दो एक बार, सब हाय बोल दो। तो चलो यार चलते हैं, अभी छोटी जो आ चुकी है तो उसको लेकर जाना है हम लोगों को अभी, और दवाई की दुकान में भी जाएंगे, दवाई लेना है। हाँ ले बीरेन, चल। ये देखो हमारी यार दोस्तों, हमारी जो छोटी अभी आ चुकी है तो अभी जाना है अपने को दवाई की दुकान में, दवाई खरीदेंगे उसके बाद जो है घर चलेंगे। तो अभी चलो चलते हैं, मिर्ची में है। सो दोस्तों फाइनली जो हम लोग अभी गोविंद कृषि केंद्र की दुकान में पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से जो हम लोगों को दवाई लेना है फसी डी सिक्स, कितना है, कितना लीटर का है, कौन से वेजिटेबल में, नहीं मिर्ची में डालना है, मिर्ची में डालना है। हाँ 125 में डालना है, 200 लीटर के लिए, ये मतलब वो नहीं है जैसे एक ही साथ थ्रिप्स वगैरह को भी काम करे ऐसे टाइप का है, कितने का है, 400 का है। दोस्तों हम लोगों ने दवाई वगैरह अभी ले ली है, तो अभी चलो चलते हैं घर। अभी जो है मैं घर पहुंच चुका हूं, और अभी हम लोग गांव में छोटा सा जो मार्केट बैठता है आप लोगों को जो मार्केट में ले जाऊंगा, और खगे जो है आ चुका है, आप लोग देख सकते हो काफ़ी दिन बाद बैक इन द माई वीडियो। तो दोस्तों मेरे को थोड़ा सा इंग्लिश आता नहीं है, थोड़ा थोड़ा आता है पर उतना नहीं आता, दिल से लाइटली मत लेना कि इंग्लिश गलत बोला बोल के, खाली इंटरटेनमेंट के लिए है। तो अभी चलो मार्केट में आप लोगों को थोड़ा सा है जो है मार्केट में क्या क्या सब्जी या फिर कुछ और अन्य मतलब अन्य कुछ चीज़ या इंटरेस्टिंग चीज़ आया होगा तो आप लोगों को चलो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो खगे चल। तो फाइनली जो हम लोग अभी अपने गाँव का मार्केट पहुँच चुके हैं, तो आप लोगों को जो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इंटरटेनिंग जैसा कुछ करने की कोशिश करेंगे। अपना चाचा जो है आलू प्याज बेच रहे हैं, अभी इनके पास थोड़ा सा जाकर फन करेंगे। हाय बाबू, उतरो आए भाई, आलू बीस रुपया किलो, किलो आलू किलो 30 रुपया, गोंदरी किलो 25 रुपया। हम तो नी धरू काका बेचारा है बाबू, नीला का आया मन। तो दोस्तों हम लोग तो लेने वाले हैं नहीं यार, माँ जो है आकर के साग सब्जी लेकर के चले गए हैं, हम लोग जस्ट यहाँ आप लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए ही आए हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, और पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो हम लोग जो अभी भजिया खाएंगे, भजिया लेंगे 10-20 रुपये का, बहुत ही सस्ता होता है अपने साइड का भजिया वजिया जो भी मिलता है, तो वहाँ पर जो होटल है वो अभी जो हम लोग वहीं जाएंगे। चल खा के चटनी आज का ले 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 ले। बड़ा दे भी सर, बड़ा ने अभी भजिया और बड़ा ले लिए, और साथ में चटनी भी ले लिए। तो अभी जो भैया दिख रहे हैं आपको वहाँ जाएंगे। तो भैया जी, भैया जो है पेंसी का काम करते हैं, इसके पास माला वाला लेंगे, हमारे तो बीवी बच्चे हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? ऐसा कुछ नहीं है, है भी नहीं। तो भैया पाउडर दे दो, तो चमकना है। ये देखो भैया हम लोगों को फ्री में पाउडर दे रहे हैं, पाउडर का नाम फ्रीडम, फ्री में ही मिल रहा है फ्रीडम पाउडर। तो ले जाएं, ले जाएं। तो भैया जो है अभी चेंज हो गए यार, पैसा मांग रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग बहुत ही अच्छा अच्छा है जो है लेडीजों की आइटम है यहाँ पर फैंसी वाली।
सो दोस्तों अभी हम लोग जो है मार्केट से थोड़ा बाहर आ चुके हैं और यहाँ जो है अभी ये भैया मछली काट रहे हैं। यहाँ से जो हम लोग अभी मछली लेंगे 1 किलो, बहुत दिन से मछली खाए नहीं है, बहुत दिन से चिकन ही खा रहे थे तो आज मछली खाने का मन किया है। मछली ताज़ा मछली लेकर के आए हैं भैया, तो भैया 1 किलो दे दोगे मछली भैया जी? हाँ 1 किलो ठीक है ठीक है। पूरा छीलने में ही व्यस्त हो गए हो, आज काट दो टाइम के लिए। सो दोस्तों अभी जो है हमने मछली वछली ले ली है तो खगे भी आज मेरे घर में खाने वाला वो बोल रहा है, इसका जो है मछली को देख के मुंह में पानी आ गया है, तो हम लोग घर में आज खाना खाएगा। तो अभी जो है हम लोग घर जा रहे हैं, भजिया वजिया लिए उसको खाएंगे, फिर जो है शायद लोग एंड भी कर सकते हैं, फिर कुछ इंटरटेनिंग करने को रहा तो कुछ एंटरटेनिंग करेंगे। तो अभी चलो चलते हैं, जो अपने खेत साइड जा रहे थे तो यहाँ पर जो है पास में अंतिम संस्कार वाला कार्यक्रम हो रहा था, तो यहाँ पर जो है हमारे बस्तर में सबसे ज़्यादा प्रचलित है जब अंतिम संस्कार होता है तो जो है दिन टाइम का जो नाटक होता है वो नाटक लाते हैं, तो आप लोगों को जो थोड़ा सा दिखाते हैं यहाँ कैसे टाइप का नाटक चल रहा है। तो चलो अभी चलो देखते हैं, फिर देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो है देखने के लिए कितना ज्यादा भीड़ हो रखे है, एक से एक कलाकृति आपको देखने को मिलेगी। अभी जो है यार नाटक वाटक बंद हो गया इसलिए क्योंकि अभी खाना वाना खा रहे हैं, तो हम लोग जो है रात को आएंगे और आज ब्लॉग जो है थोड़ा लेट से एंड करेंगे, तो अभी जो है अपना काम कर लेते हैं फिर जो है बाद में आएंगे रात को। सो है दोस्तों अभी जो है वहाँ नाटक फिर से चालू हो गए है, शायद वहाँ अभी जो है खाना वाना खा लिए और मैं खुद भी खाना खा लिया हूँ, तो आप लोगों के लिए स्पेशली जो है इंटरटेनिंग के लिए जा रहा हूँ। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना कि कैसे टाइप का मेरा जो है ब्लॉग बन रहा है, इससे क्या है मेरे को मोटिवेट मिलता है तो और भी मैं बेहतर बनाने के लिए कोशिश करूँगा। तो अभी फ़िलहाल चलो चलते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे होता है अपना बस्तर का जो है नाटक कार्यक्रम है, बहुत ही खास होने वाला है। चलो तो दोस्तों अभी जो है मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और यहाँ नाटक चालू भी हो गई है, तो आप लोगों को जो है थोड़ा सा हमारे बस्तर का नाटक कैसा होता है आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा ये मेरे ब्लॉग वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। हम लोग यहाँ ज़्यादा देर रुकेंगे भी नहीं, क्या है कि रात को मतलब बहुत ज़्यादा रात भी हो जाएगी और मेरे को प्लस वीडियो भी एडिट करना है, तो आप लोग जो है ब्लॉग में बने रहिए। थोड़ा सा जो है मैं ये नाटक की क्लिप दिखाता हूँ। Oh,
दोस्तों, अभी मैं वहाँ से आ चुका हूँ। क्या है वहाँ पर, आप लोगों को वीडियो में दिख ही गया होगा कि किस टाइप की वहाँ पर जो है लाइट वाइट थी। लाइट वाइट ठीक से नहीं था, इसलिए वहाँ पर जो है वीडियो शूटिंग करना ठीक नहीं रहा। वहाँ पर मेरे फेस पे लाइट भी नहीं पड़ रही थी, तो इसीलिए वहाँ पर जो है क्लियर वीडियो नहीं ले पाता। इसलिए अभी मैं घर आ चुका हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलो। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।